सीकर के सबलपुरा गांव के ग्रामीणों को रसीदपुरा टोल बूथ पर टोल टैक्स फ्री करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। ग्रामीण जयपुर बीकानेर हाईवे पर धरना लगा करके बैठ गए और नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि रसीदपुरा टोल बूथ के आसपास की सभी ग्राम पंचायत टोल फ्री हैं। सबलपुरा के ग्रामीणों से टोल वसूला जा रहा है। अधिकारियों को बार बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बूथ के कर्मचारियों ने ग्रामीणों को इस सुविधा से वंचित रखा है। ग्रामीणों ने बूथ के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा, जब तक सबलपुरा के ग्रामीणों का टोल फ्री नहीं किया जाएगा तब तक उनका अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य कुलदीप रणवा, सरपंच नारूराम देवठिया, पूर्व पंचायत समिति सदस्य शिवा पचार सबलपुरा, विप्र सेना के जिलाध्यक्ष महेश शर्मा सबलपुरा, पूर्व पंचायत समिति सदस्य अमरदीप पचार, उप सरपंच गजेंद्र सिंह, पंचायत समिति सदस्य सत्यजीत भींचर, सुरेश बगड़िया बढ़ाडर, सीटू यूनियन के जिलाध्यक्ष शकूर खां पठान सबलपुरा, घीसा सिंह शेखावत, राकेश शर्मा सबलपुरा सहित अनेक ग्रामीण जन धरने पर मौजूद रहे। इस तरह की यात्रा होली आभास जी दूरी है 8 किलोमीटर है और ये टोल जो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर तक की छूट है। बगड़ी है 22 किलोमीटर है, सनवाड़ी है 17 किलोमीटर है, तो फिर 8 किलोमीटर और टोल लगे। देख हमारी पंचायत बेरुपरा है, राशन कार्ड बेरुपरा पंचायत में थे हम, अब सबलपुरा अलग हो गया, राशन कार्ड बेरुपरा पंचायत में है हमारा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्या कहूँ आपने, आपकी सारी बात बेरो है और ये जो डिसीजन आया था ना ये ऑन टेबल आया था लिखित में सारा गाँव कहीं मैटर जो भाई उनका इवेंट ना हो तो चलो कोई बात ना, मैं प्रेजेंट हो ब्रिजेश हो मैं तो थोड़ी को नहीं, मैं सारी चीज पतो करी है और सारी चीज भी एक लिखित में हो कि भी ये 8 या 9 पंचायत है उनका जितना भी गांव है वह फ्री, वह 20 किलोमीटर 18 किलोमीटर है या 5 किलोमीटर है जो भी है वह फ्री कर दिया। इब आपकी इच्छा है कि वो गाँव जुड़ना चाहिए तो मैनेजमेंट को हम बात कर ले, मैनेजमेंट को हम बात कर लेगा और जो भी आप लोग डिसीजन आओ वो आपने बता देंगे। मेरी कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि वीडियो जुड़ जाए, मैनेजमेंट से बात करो। हां जरूर तेरे पास है कि बेरुपरा पंचायत से निकला हुआ है, समझ गया वो आपने लिख दिया है, पंचायत से आपने ऐड की थी इसमें, ये देखेंगे आप इसको कोई भेजेंगे सारे भेजेंगे। अरे सारे लोग ये वही कर रहे हैं, ये तो फॉर्मेलिटी है, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं ये तो फॉर्मेलिटी है, लेकिन आप मौखिक रूप से ये तो कह सकते हो ना इसमें तो कोई एनएचआई का मतलब है, मेरे पीडब्ल्यू डी का, ये जो टोल कंपनी चला रही है जिस कंपनी के आप आपका कर्मचारी है उस कंपनी से बात करनी पड़ेगी। सर मेरी बात सुना, हेड ऑफिस मैंने बता दिया आपको, पता है कि ये जो टोल है ये किसका, सिक्कर बीकानेर हाईवे लिमिटेड का, हम किस में है समेक्स में, पैसे हमारे कटेंगे या कुछ भी होगा वो हमारा डिडक्शन होगा, तो हम क्यों ऐसा काम करेंगे, हम अथॉरिटी से ही ले लेंगे ना अप्रूवल, आपको लेना है हमें नहीं लेना, पंचायत ना फ्री कर, ग्राम पंचायत में कौन सा गाँव है, 9 पंचायत के लिए 10 आगे एक हमारे गाँव तो है की हो, लेकिन पंचायत के हिसाब से आज रसीदपुरा टोल बूथ पर ग्राम सबलपुरा के सभी ग्रामवासी सैकड़ों की संख्या में यहां पर शामिल हुए और टोल के अधिकारियों से सबलपुरा ग्राम को टोल मुक्त करने के लिए, टोल फ्री करने के लिए, जैसा कि पहले से बार बार ज्ञापन दिया जा चुका था लेकिन टोल अधिकारियों के कान पर कहीं जू नहीं रहेंगी, और हम चाहते हैं कि सबलपुरा गाँव जो है टोल फ्री हो, क्योंकि आस पड़ोस के 15 से 20 किलोमीटर के गाँव इसमें टोल फ्री है। पहले बरूपरा पंचायत में सबलपुरा शामिल था लेकिन अब पंचायत अलग होने से इन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो टोल अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई, टोल अधिकारियों ने कहा कि ऊपर वाले अधिकारी करेंगे,
तो प्रभारी अधिकारियों से वार्तालाप हुई तो उन्होंने इन पे छोड़ दिया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और सभी ग्रामवासियों ने यहाँ मिलकर यह फैसला किया है कि जब तक सबलपुरा ग्राम को टोल फ्री नहीं किया जाएगा, यहाँ पर टोल के सामने अनिश्चितकालीन धरना की शुरुआत रात हो या दिन हो, सारे ग्रामवासी यहीं पर रहेंगे हमारी समस्या को समाधान नहीं होने तक।